हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई उलझन में फंसा है कॉल करे या मैसेज, तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे हम 6 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे सेम मैसेजेस और साथ ही साथ एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द हीरो कार्ड। जैसे हीरो कार्ड की एनर्जी आपको पता है, बहुत सोच समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी सोच में या फिर आप कह सकते हैं थॉट्स में उलझा हुआ रहता है कि कहीं कुछ स्टेप का गलत, मतलब ज़िंदगी में गलत कदम ना उठ जाए या फिर उनका आगे जाके कहीं हर्जाना ना भुगतना पड़े। तो ऐसे ही यहाँ पे भी शायद कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन में भी ये पर्सन ले रहे हैं या फिर उनके बारे में ये सोच रहे हैं, जो शायद आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी भी बातें हो सकती हैं या फिर इनकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी कुछ बातें हो सकती हैं जिनके बारे में शायद ये आपको कुछ बताना चाहते हैं कि मैंने ये फैसला किया है या फिर मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो शायद इनका मन कर रहा है कि आपसे क्लियरली डिस्कस करें। अब ये उस उलझन में फंसे हुए हैं शायद, मतलब अगर इनका डिसीजन मेकिंग हुआ नहीं है तो शायद ये सोच रहे हैं कि क्या मैं पहले फैसला ले लूँ और फिर अपने पर्सन को कॉल करूँ या फिर उससे मिल के ही शेयरिंग करके कुछ डिस्कशन करूँ। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न आपका या उनका साइन हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन बैलेंस चाहता है, इक्वल कुछ गिव एंड टेक करना चाहता है, वैसे ही शायद आपके साथ बातचीत करने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि जो बातें ये आपके लिए फील कर रहे हैं आपको बता दे, ताकि आपके दिल में भी इनको लेके आप क्या महसूस करते हैं या करती है ये उनको पता चले। यानी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी है इनको आपकी ख्वाहिशों को लेके, मतलब जैसे अगर मिलना है या फिर काफ़ी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं तो ये वही सोच रहे कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होगा इनको लेके, और इसी बात के शेयरिंग के लिए ये सोच रहे हैं कॉल करें या मैसेज। फिर है द वर्ल्ड का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आज भी आपको इन्होंने अपने दिल के सेंटर स्टेज पे रखा है, यानी कि भले ही आपके साथ इनकी बातचीत हो या ना हो, आज भी उनके दिल की जो छोटी सी दुनिया है वहाँ पे किसी का अगर राज चलता है तो वो सिर्फ आपका है, और शायद यही एहसास उनको दिल से महसूस हो रहा है और मे बी इसीलिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। फिर है एस ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थॉट्स इग्नाइट हुए हैं, यानी कि आपके लिए जो जज्बात है वो बहुत ज़्यादा है और वैंड रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को, तो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि उनके दिल के जो जज्बात हैं वो आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी सिग्नल मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके प्यार में तड़प रहे हैं और शायद आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरी हालत क्या हो रही है,
तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ या मिल नहीं पा रहा हूँ, तो ये सब आपको रियलाइज़ होने के लिए शायद ये सोच रहे हैं कि कॉल करना ठीक होगा। और मे भी कभी कभी उनका दिल करता है कि नहीं मैं कॉल भी करूँगा तो भी बोल नहीं पाऊँगा, इससे अच्छा है मैसेज कर दूँ। और शायद यही वजह है उनकी उलझन की। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे तीन लोग हैं, एक फैमिली जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, एक फीमेल पर्सन है, उसके हाथ में एक बच्चा है, और ये पर्सन सोच रहा है वैसे ही शायद हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ फैसला लिया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके, या फिर आप दोनों के रिश्ते को लेके, और वही फैसला इन्होंने शायद अपने घर में डिस्कस किया हो सकता है। यानी कि कुछ लोगों ने अपने घर में भी आइडिया दिया हुआ है, और मे बी उनका रिएक्शन क्या है ये वो आपको बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आया है। पेजेस ऑलमोस्ट मैसेंजर का काम करते हैं, लेकिन पेज कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था ये पर्सन अपनी ख्वाहिशों को लेके, मे बी पैसों को लेके, या फिर अपने घर वालों को कैसे कुछ समझाना है, इन सब बातों को लेके। लेकिन इस उलझन से इस पर्सन ने खुद को बाहर निकाल दिया है, यानी कि कंफ्यूजन की एनर्जी से ये पर्सन बाहर निकल चुके हैं, और शायद इसीलिए ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने अपने घर वालों को कुछ क्लैरिटी दी है और उसी बात को लेके आपको कुछ समझाना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं। फिर है इंट्यूशंस, तो उनके इंट्यूशंस उनको राइट नाउ यही कह रहे हैं कि आपसे उन्हें कनेक्ट होना चाहिए, और इन्हीं इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए शायद ही आपको कॉल कर सकते या फिर मैसेज। फिर है डेलिकेट, तो आपके जज्बातों की काफ़ी ज़्यादा परवाह इन्हें। जैसे यहाँ पे एक फूल है इसके हाथ में, और जैसे फ्लावर बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, वैसे ही इनको पता है कि आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, और ये किसी भी हालत में आपको ज़रा सी भी चोट नहीं पहुँचाना चाहते। यानी कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जाने अनजाने भी इनकी वजह से आपके दिल को चोट पहुंचे या फिर तकलीफ पहुंचे। इस वजह से ये सोच रहे हैं कि क्या करना सही होगा, मैं कॉल करूं या मैसेज। मतलब कई बार शायद ये सोच रहे हैं कि मैसेज मैं करूंगा, हाय कहूंगा, अगर उसको बात करनी होगी तो वो रिप्लाई दे देगी। जैसे कॉल का नहीं होता, ये कॉल करेंगे, और अगर आपने कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर इनको वापस बुरा लग सकता है कि मेरे पर्सन ने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। तो ऐसे कई सारे सवाल उनसे ये पर्सन घिरे हुए हैं। फिर है कॉन्फ्लिक्ट, तो शायद कुछ लोगों के रिश्ते में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मतलब घर वालों की वजह से हो सकते हैं या फिर कमिटमेंट के इशू की वजह से हो सकते हैं। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके शायद उन्होंने कुछ फैसला लिया है, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में से हटाने के लिए शायद ये कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। फिर है ब्यूटी, आपकी याद इन्हें बहुत ज़्यादा सताती है, ये तो यहाँ पे क्लियर ही है। और आपको लेके इनके दिल में अगर जज्बात नहीं होते तो हमें ये कार्ड नहीं मिलता वर्ल्ड का। जैसे कि मैंने कहा कि आपके प्यार को लेके ये इस तरह से सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आज भी उनके दिल पे अगर किसी का राज चलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का चलता है। तो आपकी कोई प्यारी सी तस्वीर हो सकती है, आपके मैसेजेस हो सकते हैं, आपका चेहरा इनको बार बार याद आता है, जिस वजह से ये शायद कॉल करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि एटलीस्ट मैं कॉल करूँगा या करूँगी तो उसकी आवाज़ तो सुन पाऊँगा या फिर उसको देख पाऊँगा। तो ऐसी भी हालत उनकी हो रही है, और इस वजह से भी ये कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है ड्रीम्स, तो बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं, रियलिटी में शायद आपसे मिलना नहीं पॉसिबल हो रहा, मे बी ड्रीम्स में ही आपसे मिलना जुलना हो रहा है, क्योंकि शायद टेलीपैथिकली कनेक्शन आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और शायद आपकी याद इस तरह से उनको याद आ रही है कि रात रात भर ये अचानक से सपने से जाग जाते हैं, और जब उनकी आंखें खुल जाती है तो उनको एहसास होता है कि ये तो सिर्फ सपना था, आप वहाँ पे हैं नहीं। जो वजह बनती है इन्हें आपकी याद दिलाने की, और इसी याद की वजह से ये सोच रहे हैं कि मैं कॉल करूँ या मैसेज। और फाइनल कार्ड है लोनली, तो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, और अकेलेपन में जब ये सोचते हैं आपके बारे में तो वो यादें और भी ज़्यादा इनको तड़पा देती है, और इन्हीं यादों की खातिर ये आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यू आर परफेक्ट इनसाइड एंड आउट बिकॉज यू आर नॉट बट यू आर परफेक्ट फॉर मी एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स। तो यहाँ पे तो बात आ रही है कि आपकी खूबसूरती को लेके ये सोचते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप एक बिल्कुल परफेक्ट इंसान हैं उनके लिए। और जैसे यहाँ पे अकेलेपन में कोई भी अपने
डीपेस्ट डिज़ायर के बारे में सोचता रहता है, वैसे ही जब भी ये सोचते हैं आपको लेके, तो इनका दिल यही करता है कि आपसे बेहतर पर्सन इनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं हो सकता, एज अ कंपेनियन और एज अ लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो यही सब बातें हैं जो ये सोचते रहते हैं और इसी वजह से आपसे कनेक्ट होने के लिए ये कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।